गुजरात से एक बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के सूरत के एक शख्स ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की। इतना ही नहीं, उस शख्स ने चंद पैसों के लिए भारतीय सेना की जानकारी साझा की, जिसकी पहचान भुवनेश्वरी इलाके के रहने वाले दीपक सालूके के रूप में हुई है। सूरत क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपक फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हनी ट्रैप का शिकार हुआ है, जो एक महिला के नाम पर बनाया गया था। भरोसा जीतने के बाद अकाउंट हैंडलर ने अपना परिचय हामिद के रूप में दिया। मिली जानकारी के अनुसार हामिद के निर्देश पर आरोपी ने भारतीय सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी और उसकी गतिविधियों जैसे विवरणों को व्हाट्सएप संदेशों और कॉल के जरिए हामिद के साथ साझा करना शुरू किया, जिसके लिए पाकिस्तान के ISI एजेंट हामिद से अब तक आरोपी को 75,856 रुपए मिल चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। लेकिन कितने शर्म की बात है कि हमारे ही देश में रहकर चंद पैसों के लिए लोग जवानों की सूचनाएं लीक करते हैं। वो जवान जो देश की रक्षा के लिए अपनों को छोड़कर कठिन परिस्थितियों में भी हमारी और आपकी दुश्मनों से रक्षा करते हैं, ऐसे भारतीय जवानों की सूचनाएं देश के दुश्मनों के साथ साझा कर देश के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।